हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू StudyIQ में आपका स्वागत है। मैं मोहित जिंदल इस वीडियो में लेकर आया हूँ स्पाइस ऑफ द वीक का सेट 30। दोस्तों, स्पाइस इनिशिएटिव StudyIQ का एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें हम सिविल सर्विसेज मेंस आंसर राइटिंग और एसए पेपर को बेहतर बनाने के लिए मटेरियल डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये एक वीकली एडिशन है और ये जो सेट 30 है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 22 से 27 अप्रैल के अखबारों से लिया गया है, प्राइमरीली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ये है मेरी इंट्रोडक्शन। मैंने बीटेक की IIT बॉम्बे से। आई एम करंटली सर्विंग एज को फाउंडर एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एट StudyIQ। आई हैव ऑल्सो अपीयर्ड इन सिविल सर्विसेज मेंस एंड इंटरव्यू। और आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से। दोनों का ही नाम IAS प्रेप विद मोहित है। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। मेरा हैंडल है @jindal8mohit। दोस्तों, ये हैं StudyIQ के पेन ड्राइव कोर्सेज। आप घर बैठ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं studyiq.com पे और दिए गए नंबर्स पे आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। हर बार की तरह शुरू करेंगे डेफिनेशन से, बढ़ेंगे एग्जांपल्स की ओर, कुछ डेटा पॉइंट्स, बड़े आइडियाज़ और फाइनली एक टॉपिक पे कोटेशन से इस सेट का हम एंड करेंगे। तो दोस्तों, पिछले जो 3 सेट थे इस महीने के, उसमें हमने पॉलिटी रिलेटेड डेफिनेशन की बात करी थी, फेडरलिज्म, रीजनलिज्म और जुडिशल एक्टिविज्म। अगर आपने वो मिस कर दिया, आप उन सेट को रेफर कर सकते हैं। और इस हफ्ते हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे ब्यूरोक्रेसी की। दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी बेसिकली एक बॉडी होती है ऑफ नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेकिंग ग्रुप। तो इंडिया में ये बेसिकली एक बॉडी ऑफ नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स, तो ये वर्ल्ड वाइड ट्रू है। और इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल IAS हो गए, फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स हो गए, IPS हो गए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेकिंग में भी मदद करते हैं, ठीक है, लेटेस्ट स्टेजेस पे, जब ये सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच जाते हैं। और इनिशियल फेज ऑफ लाइफ जो है, ये इनका मेनली पॉलिसी एग्जीक्यूशन में होता है। तो पॉलिसी एग्जीक्यूशन / इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग, ये ब्रॉडली 2 फंक्शंस हैं इंडियन ब्यूरोक्रेसी के। ब्यूरोक्रेसी एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, समझने की बात है कि ये एक सिस्टम है जहाँ पे अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स जो हैं वो गवर्नमेंट को रन करते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी रिलेटेड एग्जांपल्स। आपको पता है देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कुछ लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी जाती है। बड़ी बड़ी जो MNCs हैं, जैसे पेप्सी हो गई, कोका कोला हो गई, ये सब कंपनीज जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे वेजिटेबल्स उगाती हैं। तो पेप्सी जो है वो इंडिया में आलू उगाती है और हाल ही में इन्होंने 4 गुजराती फार्मर्स को सू किया। 1 करोड़ ईच का क्लेम जो है इस कंपनी ने इन पर डाला है। ये क्यों डाला है? क्योंकि ये जो 4 फार्मर्स थे, ये जो पोटैटो की जो वैरायटी है जो कि लेज चिप्स में पेप्सी यूज़ करता है, उस रजिस्टर्ड वैरायटी को वो यूज़ कर रहे थे, उसको ग्रो कर रहे थे। तो फार्मर्स का इस चीज़ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ और उन्होंने काउंटर में कहा कि जो प्लांट वैरायटी एक्ट है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट है, उसके तहत दे आर फ्री टू सेल एंड ग्रो एनी वैरायटी ऑफ क्रॉप और इवन सीड, एज लॉन्ग एज कि वो जो ब्रांडेड सीड है रजिस्टर्ड वैरायटी का, उसको नहीं बेच रहे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैं बता दूं कि ये जो एक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें फार्मर्स को भी काफ़ी एक्सटेंसिव राइट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा जो कंपनी है उसके भी कुछ राइट्स हैं। तो ये जो मामला है वहाँ के कोर्ट में चल रहा है और ऐसी कुछ बात भी चल रही थी कि कुछ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे, तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम्पल बताने का मेरा पर्पस ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे सवाल आता है और उसके जब हम ये प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं, तो उसमें ये बहुत ही जो रीसेंट एग्ज़ाम्पल है, ये 4 गुजराती फार्मर्स की, पेप्सी कंपनी उनको सू कर रही है, ये आप एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी पर्पस मेरा यही है आपको यहाँ बताने का, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य कुछ बातें हैं, जैसे फार्मर्स जो हैं वो इस एक्ट के तहत, ये जो अथॉरिटी है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, उससे लीगल कॉस्ट्स वगैरह फंड करने के लिए कह रही हैं। नेशनल जीन फंड एक होता है, उससे लीगल कॉस्ट जो हैं वो इस केस की वो लोग मांग रहे हैं कि हमारे बिहाफ पे ये केस लड़ा जाए। तो आने वाले दिनों में देखते हैं क्या है, ये एक ऑनगोइंग मामला है। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो टेक्सटाइल्स है वो कुछ देशों के साथ बातचीत कर रही है इंडिया में स्पेशलिटी फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल्स को डेवलप करने में। इंडिया में टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो हैं वो बहुत ही अभी नेसेंट स्टेज पे हैं, उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। टेक्निकल टेक्सटाइल की डेफिनेशन मैं बताता हूँ आपको। टेक्निकल टेक्सटाइल बेसिकली एक ब्रॉडर, मतलब एक टाइप का टेक्सटाइल होता है जो कि मैन्युफैक्चर किया जाता है नॉन एस्थेटिक पर्पज़ के लिए। नॉन एस्थेटिक मतलब अभी जब हम कपड़े खरीदते हैं, जो टेक्सटाइल, जैसे शर्ट खरीदी, पैंट खरीदी और कुछ खरीदा, तो वो एक उसका एस्थेटिक पर्पज़ होता है कि हम डालते हैं, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी है।
टेक्निकल टेक्सटाइल इज डिफाइंड बाय इट्स फंक्शन, कि ये बहुत ही एक फंक्शनल पर्पस, मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये बनाए जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, आपने देखा होगा कि जो लोग जैसे रोड्स पे जो काम करते हैं या जो ट्रैफिक पे होते हैं, कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो इस तरह की प्रोटेक्टिव क्लोथिंग डाल के रखते हैं. ठीक है, ये आप नीचे फोटो देख सकते हैं, ठीक है, ऑरेंज और येलो, ये बेसिकली ये एक टेक्निकल टेक्सटाइल है. ठीक है, तो ये आपका जो नॉर्मली हम कॉटन वगैरह के जो टेक्सटाइल्स डालते हैं, लिनन डालते हैं, वो सब नहीं होता, ये एक टेक्निकल टेक्सटाइल, सिंथेटिक टेक्सटाइल होता है. ठीक है, तो इसकी जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है. हालांकि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी सेक्टर्स हैं, बट उसमें जो टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल है, वो काफ़ी कम डेवलप्ड है. तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जापान और यूएस से बातचीत कर रही है कि वहाँ की कंपनीज़ जो हैं वो इंडिया में टेक्निकल टेक्सटाइल्स की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो करें और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो. तो जब दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे सवाल आए, तो आपको ये एक उभरता सेक्टर, ये एक सनराइज इंडस्ट्री है, इसको आपको ज़रूर मेंशन करना है अपने आंसर में कि टेक्निकल टेक्सटाइल जो हैं इंडिया को, उसको भी बढ़ावा देना चाहिए. टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल के पार्क्स लगने चाहिए. ठीक है, तो इससे जॉब क्रिएशन भी होगा और मेक इन इंडिया का जो ओवरऑल हमारा एजेंडा है वो भी फर्दर होगा. आगे बढ़ते हैं. डीमोनेटाइजेशन का एडवर्स इम्पैक्ट MSMEs पे हाल ही में पता लगा. ये वैसे चीज़ काफ़ी चर्चा में रही. आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स भी होंगी एडवर्स इम्पैक्ट की, लेकिन एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ऐड करके बताता हूँ. मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का एक काफ़ी प्रमुख टाउन है, उसको पीतल नगरी भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे ब्रास का काफ़ी काम होता है. तो वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि जो पीतल नगरी है, इट हैज़ बिन रिड्यूस टू मिट्टी की नगरी, सिटी ऑफ क्ले, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन और जो GST के एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं वो स्मॉल एंटरप्राइजेज और स्पेशली जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, उनको काफ़ी एडवर्सली इम्पैक्ट किया है GST में. इसलिए क्योंकि उनके कंप्लायंसेज बढ़ गए हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस. और डीमोनेटाइजेशन का एडवर्स इम्पैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं प्राइमरली कैश में डील करती हैं, और अगर आप कैश मार्केट से एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वेजेस में प्रॉब्लम आएगी, रॉ मटेरियल्स को ख़रीदने में प्रॉब्लम आएगी. तो दोनों तरफ से जो है ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ गई. तो ये डीमोनेटाइजेशन का कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े. आगे बढ़ते हैं. सोसाइटी और ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट का ऐसा कहना है कि ओबेसिटी जो है वो एक राइजिंग पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनती चली जा रही है, और 80% ऑफ एडोलेसेंट्स जो हैं वर्ल्ड में, दे आर नॉट सफिशेंटली फिजिकली एक्टिव. काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, आप याद कर सकते हैं. और WHO ने ये न्यूज़ इसलिए है क्योंकि WHO ने पहली बार जो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं. ऐसा उन्होंने पहले नहीं किया था. तो दीज आर फर्स्ट एवर रिकमेंडेशंस ऑन फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन जिनकी एज लेस देन 5 है. ठीक है, तो काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ कि जो इन्फेंट्स अंडर 1 हैं, मतलब 1 साल से कम के हैं, उनको एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी पर डे जो है वो रिकमेंड की है. और इसके अलावा इस रिपोर्ट के अंदर स्क्रीन एडिक्शन पे, मतलब स्क्रीन टाइम पे कि बच्चे स्क्रीन पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं, उसके लिए भी काफ़ी रिकमेंडेशंस हैं. तो जो डिजिटल एडिक्शन की ग्रोइंग प्रॉब्लम है, वो भी एक तरह से आप लाइफस्टाइल डिजीज़ कह सकते हैं. ठीक है, वो भी इस रिपोर्ट में एक्सटेंसिवली कवर हुआ है. ठीक है, तो जैसे एक चीज़ ये है कि जो 1 साल से कम बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनको स्क्रीन पे, मतलब टू दे शुड नॉट बी एक्सपोज्ड टू स्क्रीन्स, मतलब मोबाइल की जो स्क्रीन होती है या जो और कंप्यूटर हो गया, तो ये सब स्क्रीन से उनको एक्सपोज नहीं करना चाहिए, ये WHO की रिपोर्ट ने कहा है. आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस और सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करेंगे. तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि क्रॉस LOC ट्रेड जो है वो बंद कर दी थी 1 अप्रैल से. तो 10 पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट जो हैं वो पकड़े गए हैं फनलिंग इलीगल वेपन्स, नारकोटिक्स एंड फेक करेंसीज इनटू द कश्मीर वैली गवर्नमेंट के ट्रेड बंद करने के बाद. तो दोस्तों ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक एग्जाम्पल है, और ये चीज़ें आपको लिखनी ज़रूरी हैं कि इलीगल वेपन्स, नारकोटिक्स, फेक करेंसी जो है वो इन रूट्स के थ्रू ट्रेड की जाती है, मतलब लाई जाती है. ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन होता है और इन सब से वैली को डीस्टेबलाइज करने का प्रयास किया जाता है.
आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी जो है वो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के अलॉन्ग अंडरग्राउंड टनल्स बनाने का प्लान कर रही है, जिसमें वो एम्यूनिशन को स्टोर करेंगी। तो ये सिक्योरिटी थ्रेट्स को हम कैसे टैकल कर रहे हैं मॉडर्न टाइम्स में, उसकी एक एग्जांपल आप ये नई डेवलपमेंट लिख सकते हैं कि इंडियन आर्मी अंडरग्राउंड टनल्स बना रही है एम्यूनिशन सेव करने के लिए अलॉन्ग दोज बॉर्डर्स। तो जब ये सवाल आता है कि हम इन सिक्योरिटी थ्रेट्स, चाइना, पाकिस्तान, इन सबसे कैसे डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की एक इंटरनल रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की जो एयर स्ट्राइक हुई पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान ने हमारे बालाकोट पे, जब इंडिया ने पाकिस्तान के बालाकोट एरिया के अंदर जो ट्रेनिंग कैंप्स थे उस पे जब स्ट्राइक करी, उसका एक एनालिसिस किया इंडियन एयरफोर्स की एक इंटरनल रिपोर्ट में। तो उस रिपोर्ट में ऐसा पाया गया है कि अगर इंडियन एयरफोर्स के पास एक हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री होती, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री का मतलब ये हुआ, टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री का मतलब ये हुआ कि जब दो देशों के बीच में, मतलब हमारे और पाकिस्तान के बीच में, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता, काफ़ी ज़्यादा एसिमेट्री होती, कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड होती एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान्स टेक्नोलॉजी। तो इस रिपोर्ट का ऐसा कहना है कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री विद पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नहीं है एज इन द फील्ड ऑफ एयरफोर्स, और अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री होती तो हम पाकिस्तान पे काफ़ी हैवी डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकते थे, ठीक है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। तो 1999 कारगिल वॉर के बाद इस रिपोर्ट ने पाया कि पाकिस्तान अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बहुत तेज़ी से इन्हेंस करता जा रहा है, और हमें अब ज़रूरत है कि हम वो टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री को क्रिएट करें अगर हम पाकिस्तान पे मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं, अगर वो, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं वहाँ पे, हम सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक नहीं कर रहे बट वहाँ के जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उन पर अटैक करने की बात हो रही है यहाँ पर। तो देर इज़ अ नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने अगर आंसर में यूज़ करेंगे तो आई एम श्योर आपको एक एक्स्ट्रा एज जो है वो मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। हाल ही में आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान से जो ऑयल मंगा रही थी कंट्रीज़, उनको एक कुछ टाइम के लिए एक वेवर दे रखा था, लेकिन अब वो वेवर जो है वो यूएस जो है वो बंद कर रहा है। तो इंडिया उनमें से 7-8 कंट्रीज़ में से एक कंट्री थी जिनको ये वेवर मिला हुआ था। तो अब यूएस ने ऐसा अनाउंस किया है कि जो कंट्रीज़ हैं जिनको वेवर मिला था उनको अपनी जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं ईरान से वो बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इंडिया इस चीज़ से मोर और लेस अग्री कर गया है। तो दोस्तों, ये इस तरह से अग्री करना, इट गोज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक अटोनमी ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है, स्ट्रैटेजिक अटोनमी मतलब कि इंडिया जो है वो अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से एक्ट करेगा, ना कि किसी और के कुछ कहने पे। अब ईरान से ऑयल मंगाना हमारा एक रिलेशनशिप भी स्ट्रांग करता है, दूसरा हमें ऑयल की ज़रूरत भी है, पर यूएस के प्रेशर के अंडर आके अगर हम इसको बंद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रैटेजिक अटोनमी हमारी इससे हर्ट हो रही है। तो स्ट्रैटेजिक अटोनमी पे आपको सवाल है तो आपको दोनों तरफ की एग्जांपल्स देनी है कि कब इंडिया ने स्ट्रैटेजिक अटोनमी को एग्जीक्यूट किया, मतलब प्रैक्टिस किया, और कब स्ट्रैटेजिक अटोनमी को इंडिया नहीं कर पाया। तो ये एग्जांपल उस चीज़ की है कि इंडिया स्ट्रैटेजिक अटोनमी को जब नहीं कर पाया, ठीक है, कि ईरान से ऑयल इम्पोर्ट्स जो हैं वो हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे यूएस प्रेशर के अंडर, ठीक है। तो 8 कंट्रीज़ को वेवर मिला था इंक्लूडिंग इंडिया, और अगर हम अभी भी इनसे तेल मंगाने लग जाएं तो हमें यूएस की जो सैंक्शंस हैं, मतलब यूएस जो है बेसिकली वो अपनी सैंक्शंस लगाएगा उन कंट्रीज के अगेंस्ट जो भी कंटिन्यू करेंगी ईरान से ऑयल इंपोर्ट। और ये जो ब्रॉडर इशू है यूएस और ईरान का, ये अभी हाल ही में आपको पता है कि ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स थे उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया यूएस ने, और इन रिटेलिएशन ईरान ने भी जो यूएस के जो फोर्सेज हैं जो मिडल ईस्ट में, उनको भी टेररिस्ट घोषित कर दिया है। तो आपको पता है कि मिडल ईस्ट में काफ़ी डिस्टेबलाइजिंग चीज़ें हो रही हैं इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि ओबामा एरा के अंदर जब ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी वो कहीं ना कहीं एक स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस था उसका, लेकिन ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान मिडल ईस्ट रीजन के अंदर स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ईरान काफ़ी ज़्यादा इस तरह के डिसीजंस लिए गए हैं जिससे एक डिस्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस है उस ब्रॉडर रीजन के लिए। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड। तो बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे।
ईस्ट एशियन बर्ड्स जो हैं वो अंडमान में रुक रही हैं, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स रुक रही हैं ओवर द ईयर्स, तो ये बहुत ही अच्छी एक डेवलपमेंट है। यूजुअली हम बायोडाइवर्सिटी में डिप्लीशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे नई स्पीशीज़ जो हैं वो आइलैंड चेन, जो कि हमारे अंडमान आइलैंड चेन है, वहाँ पे बढ़ती चली जा रही हैं सिंस 2004 इंडोनेशियन सुनामी, ऐसा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स ने पाया है। और ये जो बर्ड्स हैं ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स को यूज़ करती हैं फॉर रेस्टिंग, ये उनके एक रूट पे पड़ता है बीच में। रूट क्या है? ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे EAAF, और EAAF बेसिकली आर्कटिक रशिया और नॉर्थ अमेरिका से एक्सटेंड करता है टू द ऑस्ट्रेलियन बाउंड्रीज, और मोस्ट ऑफ द ईस्ट एशियन रीजन जो है वो इस फ्लाईवे के अलोंग पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी ये डेवलपमेंट है। और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो इंडिया का हालांकि सिर्फ 0.25% ऑफ द कंट्रीज लैंडमास है, लेकिन इट इज़ होम टू अबाउट 350 स्पीशीज ऑफ एग्जॉटिक बर्ड्स, तो बहुत ही एक बायोडाइवर्स रीजन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, और ये नई स्पीशीज़ का यहाँ पे आना, एवरी ईयर इंक्रीज होना, ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का एडवर्स इम्पैक्ट देखते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट एम्परर पेंगुइन कॉलोनी जो है वर्ल्ड की, वो है हैली बे कॉलोनी इन द वेडल सी साउथ ऑफ केप होप। ठीक है, मतलब एंटार्क्टिक की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सेकंड लार्जेस्ट एम्परर पेंगुइन कॉलोनी है, हैली बे कॉलोनी, वहाँ पे एक कैटास्ट्रॉफिक ब्रीडिंग फेलियर हो रहा है आफ्टर इट वाज फाउंड दैट नियरली ऑल चिक्स बॉर्न ओवर 3 ईयर्स डाइड एज देयर आईसी एंटार्क्टिक हैबिटेट श्रिंक्स। तो आपको पता है कि एंटार्क्टिक जो है वो श्रिंक हो रहा है, वहाँ पे जो आइस शेल्फ्स हैं वो उनका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है ईयर ऑन ईयर, तो इसकी वजह से पेंगुइन्स का जो हैबिटेट है वो भी कम हो रहा है। तो ऐसा 3 साल से पाया जा रहा है 2016, 2017 और 2018 से कि जो भी वो मेटिंग करके जो चिक्स हो रही हैं उनकी डेथ हो रही है। ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रही, जो बेसिकली पेंगुइन बेबी पेंगुइन्स हैं जो। ठीक है, और नॉर्मली ये जो हैली बे कॉलोनी है यहाँ पे 25,000 पेंगुइन पेयर जो हैं वो ईयरली एनुअली मेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक काफ़ी ख़राब डेवलपमेंट है। ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो उस पर बायोडाइवर्सिटी पे जब उनको इसका एडवर्स इम्पैक्ट है, तो उसकी काफ़ी ब्यूटीफुल एग्जांपल है ये कि किस तेज़ी से डैमेज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड बात करेंगे। भारत नॉर्म्स, आपको पता है हमारे इमिशन नॉर्म्स हैं व्हीकल्स के लिए, तो मारुति सुजुकी ने अनाउंस किया है कि वो अगले साल 1 अप्रैल से जो डीजल व्हीकल्स हैं वो बेचना बंद कर देंगे, क्योंकि भारत नॉर्म्स जो हैं उनको कंप्लाई करने में जो इनकी कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी इन व्हीकल्स की, तो हो सकता है वो ज़्यादा मार्केट में ना बिकें, ऐसा मारुति सुजुकी का एस्टिमेट है। तो भारत स्टेज नॉर्म्स कहीं ना कहीं ये एक एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, मतलब एमिशंस को कम करने के लिए ये नॉर्म्स हम लेकर आए हैं, और डीजल कार्स को फेज़ आउट कर रहा है मारुति सुजुकी, काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो चाइना ने डिसाइड किया है कि वो मून पे एक मैंड मिशन भेजेंगे विद इन द नेक्स्ट डेकेड। इसके अलावा वो मून के साउथ पोल पे एक रिसर्च स्टेशन भी बना रहे हैं। तो दोस्तों, हाल ही में आपको पता है कि चाइना ने एक अपना जो रोवर था वो फार साइड ऑफ द मून पे लैंड किया था, जहाँ पे अभी तक किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो इंक्रीजिंगली चाइना एक स्पेस सुपर पावर जो है वो बनता चला जा रहा है, तो ये एक इंडिया को कंपटीशन भी दे रहा है, क्योंकि इंडिया भी स्पेस के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये आप कुछ एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन की, कि चाइना का जो प्लान्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया का जो प्लान है वो भी उतना ही एम्बिशियस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR जो है, यहाँ के कुछ साइंटिस्ट्स ने एक एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन को सेपरेट किया है फ्रॉम द मिल्क ऑफ एकिडनाज। एकिडनाज बेसिकली वन ऑफ द फ्यू एग लेइंग मैमल्स हैं अर्थ पे, और इनको स्पाइनी एंटीटर्स भी कहा जाता है। तो इनके मिल्क से ये एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन जो है वो इन्होंने सेपरेट किया है, एंड ये जो प्रोटीन है ये एक एंटीबायोटिक्स का ऑल्टरनेटिव साबित हो सकता है जो कि हम लाइफ स्टॉक को देते हैं। अभी करंटली लाइफ स्टॉक में एंटीबायोटिक्स यूजेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट है। तो जिस तरह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम ह्यूमंस में है, उसी तरह की जो इंक्रीजिंगली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है वो लाइफ स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में ये प्रोटीन का डेवलप करना फ्रॉम द मिल्क ऑफ एकिडनाज
और एंटीबायोटिक्स का रिप्लेस हो जाना फ्यूचर में इस प्रोटीन से, ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के जो यूज़ से बहुत ही जो सुपर बग्स जो हैं, जो कि मतलब क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बेसिकली ये होता है कि जब आप एंटीबायोटिक्स का इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं तो जिस चीज़ के लिए आपने एंटीबायोटिक लिया होता है उस चीज़ से, मतलब उस स्ट्रेन से आपकी जो बॉडी है वो इम्यून हो जाती है। मतलब अब जितनी भी वो एंटीबायोटिक लेते रहेंगे वो आपको काम नहीं करेगी। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स का इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो पैदा होती है। और अगर ये प्रोटीन उस चीज़ के लिए यूज़ हो जाए तो हम एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री में जो एंटीबायोटिक का यूज़ है उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही एक अच्छा सिस्टम डेवलप किया है, जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा, कि ब्रेन से जो सिग्नल्स जाते हैं, मतलब अगर आप कुछ सोचेंगे, मतलब अगर आप कुछ इमेजिन करेंगे, फॉर एग्जांपल कि मुझे कल को इस जगह पर जाना है, लेट से, ठीक है, तो अगर आप, एक तो चीज़ है कि मैंने आपको बोल के बताया, लेकिन ये जो मेरा दिमाग है ये मैं इमेजिन भी कर सकता हूँ बगैर ये बोले कि मेरे को कल ये जाना है। तो जब मैं ये इमेजिन करता हूँ तो ब्रेन जो है वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे ये सिग्नल भेजता है, अपनी एक मतलब इंटेंशन जो है वो बताता है विदाउट एक्चुअली स्पीकिंग। ठीक है, मतलब स्पीकिंग एक अलग एक्शन है और ये सोचना एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ब्रेन से जो सिग्नल्स जाते हैं उनको स्पीच में ट्रांसलेट किया है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो साइंटिस्ट आर रिपोर्टिंग दैट दे हैव डेवलप्ड अ सिस्टम दैट डीकोड्स द ब्रेन्स वोकल इंटेंशंस एंड ट्रांसलेट्स देम इनटू मोस्टली अंडरस्टैंडेबल स्पीच विद नो नीड टू मूव अ मसल इवन दोज इन द माउथ। तो बगैर बोले अगर आप सिर्फ सोच के, मतलब अगर आप ब्रेन सोच रहा है वो सिग्नल भेज रहा है, आप उस सिग्नल को डीकोड कर लें तो आप वो उसको स्पीच में कन्वर्ट किया है इन साइंटिस्ट्स ने। ठीक है, हालांकि उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम उस एक्यूरेसी लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो ये अगर हम पॉसिबल कर दें, अगर ये अच्छे लेवल पे होने लग जाए ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, तो बहुत सारे लोग जो पैरालाइज हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकती है, क्योंकि उनके ब्रेन के सिग्नल जो हैं उनको हम स्पीच में डीकोड कर दें, मतलब उनको डीकोड करके हम स्पीच में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बगैर बोले सिर्फ उनकी सोच से, मतलब अगर वो सोच रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी देखते हैं। घाना जो है उन्होंने एक फ्लीट ऑफ ड्रोन्स जो हैं वो लॉन्च करी हैं टू कैरी मेडिकल सप्लाइज टू रिमोट एरियाज। ठीक है, और वहाँ के जो प्रेजिडेंट हैं नाना अकूफो अड्डो, उन्होंने कहा है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ड्रोन डिलीवरी सर्विस बन जाएगी। और ये जो स्टेप है ये घाना का एक ब्रॉडर प्लान है टू यू नो जो उनके रीजनल इम्बैलेंसेज हैं, मतलब कहीं पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुंचती हैं वहाँ पे ये प्रोवाइड कराने का। तो इस तरह की दिक्कतें दोस्तों इंडिया में भी हैं, बहुत रिमोट ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पे हम मेडिसिन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं पहुँचा पाते। तो इस तरह की ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है हमारी सरकार भी ले सकती है, और आप ये एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हैं कि अगर घाना कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्राइवेसी रिलेटेड बात करेंगे। फेडरल ट्रेड कमीशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो फेसबुक पे लगभग $5 बिलियन का फाइन जो है वो लगा सकती है ओवर प्राइवेसी स्कैंडल्स। और फेडरल ट्रेड कमीशन जो है वो अभी करंटली फेसबुक को इन्वेस्टिगेट कर रही है इन प्राइवेसी इश्यूज़ के लिए, जो कि कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ था जिसमें डेटा का काफ़ी इशू हुआ था। और इसके अलावा फेसबुक ने 2011 की भी जो प्राइवेसी कंसेंट रूलिंग थी उसको भी कहीं ना कहीं वायलेट किया था। और ऐसा फेसबुक ने अपने जो एनुअल उनकी फाइलिंग्स हैं उसके अंदर लिखा है कि $5 बिलियन का एस्टिमेटेड फ़ाइन उनको देना पड़ सकता है टू FTC। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब बिगेस्ट एवर फाइन होगा ऑन अ टेक कंपनी बाय फेडरल ट्रेड कमीशन। ठीक है, तो प्राइवेसी के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं इस एग्जांपल को, जब बात होती है कि फेसबुक पे इतना फ़ाइन लग रहा है तो धीरे धीरे कंपनीज जो हैं उनको वो थोड़ा इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कल्चर्ड मीट की बात करेंगे। अभी जो मीट है वो एनिमल से आता है, लेकिन इस मीट को हम लैब में भी उगा सकते हैं, वो होता है कल्चर्ड मीट। तो इंडिया के अंदर ये जो पहला प्रोजेक्ट है कल्चर्ड मीट का, ये सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी जो है इन्होंने अंडरटेक किया है। इसको हम क्लीन मीट भी बोलते हैं क्योंकि ये एनिमल से नहीं लिया गया, एनिमल्स के सेल्स को यूज़ करके इस मीट को कल्चर किया जाता है लैब में। ठीक है, और ये सेल बेस्ड मीट है बेसिकली। ठीक है, और इसका जो टेस्ट और फील है ये बिल्कुल वैसे मीट की तरह होता है जो नॉर्मल मीट होता है एनिमल से, सिर्फ इसका डिफरेंस मेथड ऑफ प्रोडक्शन में है। तो अगर हम
इस तरह से कल्चर्ड मीट कर सकें, तो आप समझ सकते हैं कि पानी की बचत और एनवायरनमेंट में जो एमिशंस हैं हम कितनी ज़्यादा कम कर सकते हैं अगर हम ये कल्चर्ड मीट यूज़ करना शुरू कर दें। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी ये एग्जांपल है टेक्नोलॉजी की भी, और एनवायरनमेंट में भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कल्चर्ड मीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बीटी ब्रिंजल की बात करेंगे। हरियाणा के फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि जीएम ब्रिंजल जो है वो उगाया जा रहा है इलीगली, ऐसा एंटी जीएम एक्टिविस्ट्स ने कहा है। बीटी ब्रिंजल की हिस्ट्री बताऊंगा आपको। बीटी ब्रिंजल बेसिकली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है ब्रिंजल की, जिसको मॉडिफाई किया गया है थ्रू सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजियंसिस, और ये जो बैसिलस थुरिंजियंसिस है ये सर्टन पेस्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है ब्रिंजल क्रॉप को। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये पेस्ट से बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करता है, इसीलिए बीटी ब्रिंजल है, बैसिलस थुरिंजियंसिस ब्रिंजल। ठीक है, और ये जो डेवलप किया था बीटी ब्रिंजल, ये मेहको कंपनी है महाराष्ट्र की, उसने डेवलप किया था, और ये इंडिया की पहली जीएम फूड क्रॉप बनने वाली थी, क्योंकि 2009 में जो जेनेटिक अप्रूवल कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया था, लेकिन इसके बाद प्रोटेस्ट होने लग गए, तो उस टाइम के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश, उन्होंने इस पे एक इनडेफिनेट मॉरेटोरियम लगा दिया था। तो ये है दोस्तों बीटी ब्रिंजल की कहानी, और अगर इलीगली ग्रो किया जा रहा है जाहिर सी बात है कि बायोटेक्नोलॉजिकल रिस्क्स हैं इसमें, और ऐसा हमें रोकना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है, तो सरकार को इसके खिलाफ एक कदम उठाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स देखते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो कि सैटेलाइट इमेजरी से फॉरेस्ट्स को ट्रैक करती है, उन्होंने ऐसा बताया है कि पिछले एक साल में 12 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल ट्री कवर जो है हम लूज़ कर चुके हैं। 12 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल ट्री कवर का लगभग मतलब है कि 30 फुटबॉल पिचेस अ मिनट, एवरी मिनट वी आर लूजिंग 30 फुटबॉल पिच साइज ट्री क्रॉप। ठीक है, तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फिगर है कोट करने के लिए, और ये फोर्थ हाईएस्ट एनुअल डिक्लाइन था सिंस रिकॉर्ड्स बिगैन इन 2001। तो फॉरेस्ट डिप्लीशन जो है काफ़ी एक मेजर आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कंसर्न है एनवायरनमेंट के लिए। बिग आइडियाज़ की तरफ बढ़ते हैं। मैनेजमेंट बाय एल्गोरिदम, ये एक आइडिया है। फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन का जो रेवोल्यूशन चल रहा है, मतलब धीरे धीरे हम चीज़ें ऑटोमेट कर रहे हैं, रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेटेड, तो अमेज़न जो कंपनी है वहाँ पे जो उनके वर्कर्स हैं उनको फायर करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि मशीन्स के थ्रू सारा डेटा ट्रैक होता है, तो किसने कितना काम किया, उनकी जो वर्क रिपोर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं, और जो ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर रहे उनको वार्निंग्स इशू होती हैं, और उसके बाद भी अगर वो काम नहीं करते तो उनको ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है मतलब मशीन जो है वो फायर कर देती है, मतलब निकाल देती है। तो मैनेजमेंट बाय एल्गोरिदम, और ऊबर के ड्राइवर्स ने भी ऐसा कंप्लेंट किया था कि दे आर ऑल्सो मैनेजिंग देम बाय एल्गोरिदम, मतलब मशीन बेसिकली पूरा मैनेजमेंट कर रही है। तो दोस्तों ये अपने आप में आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है, मैनेजमेंट बाय एल्गोरिदम, और उसकी एग्जांपल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अमेज़न और ऊबर की आप यूज़ कर सकते हैं। तो और ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ये जो कल्चर है फायरिंग बाय अ कंप्यूटर, ये धीरे धीरे और बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा आइडिया था, आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। फाइनली हम देखते हैं कोटेशंस, इस बार हम कोटेशंस देखेंगे लॉ पे, और लॉ में सबसे पहले हम प्रताप भानु मेहता, जो कि एक लीडिंग पब्लिक पॉलिसी कॉमेंटेटर हैं, उस पर कमेंट करते रहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में इनके आर्टिकल्स आते हैं हफ्ते में एक, बहुत ही अच्छा होता है, आप पढ़ सकते हैं। तो इनका कोटेशन है एक, लॉ इज़ इफेक्टिव ओनली व्हेन सोसाइटी मीट्स इट एट लीस्ट हाफ वे। एक लॉ तभी इफेक्टिव होगा जब सोसाइटी उसको आधे रास्ते पे मिलेगी। अगर हम ये सोचें कि सोसाइटी पार्टिसिपेट नहीं कर रही और लॉ अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा तो वो बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वो बात पॉसिबल नहीं है। सेंट ऑगस्टीन, ये एक क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट थे, एन अनजस्ट लॉ इज़ नो लॉ एट ऑल, ये सेंट ऑगस्टीन का कहना है, बहुत सिंपल है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की एक कोटेशन है, वन हैज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसओबे अनजस्ट लॉज, हर बंदे की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो एक अनजस्ट लॉ को डिसओबे करे। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग, आपको बताना चाहूँगा कि गांधी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, और ये भी जो कोटेशन है कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस की तरफ इंडिकेट करती है। मार्टिन लूथर किंग का एक और कोटेशन, नेवर फॉरगेट दैट एवरीथिंग हिटलर डिड इन जर्मनी वॉज लीगल। ठीक है, क्योंकि हिटलर ने सब कुछ जो किया वो लीगली किया था, तो कई बार जो लीगल चीज़ें हैं ज़रूरी नहीं है कि वो एथिकली भी सही हो, ऐसा कहना है इस कोटेशन से मार्टिन लूथर किंग का, कि
कई बार हम कहते हैं ना कि ये तो लीगल है लेकिन वो चीज़ एथिकल नहीं होती, तो उसमें आप ये कोटेशन यूज़ कर सकते हैं कि नेवर फॉरगेट दैट एवरीथिंग हिटलर डिड इन जर्मनी वॉज लीगल. फाइनली हम मंडेला का एक कोट देखेंगे, व्हेन अ मैन इज डिनाइड द राइट टू लिव द लाइफ ही बिलीव्स इन ही हैज नो चॉइस बट टू बिकम एन आउटलॉ. जब एक इंसान को एक ऐसी लाइफ मतलब उसको एक राइट टू लिव द लाइफ ही बिलीव्स इन जिसमें वो बिलीव करता है उस हिसाब से नहीं जीने देता, तो ही और शी हैज़ नो चॉइस बट टू बिकम एन आउटलॉ. वो लॉ को डिसोबे करना ही एक ऑप्शन बच जाती है एक इंसान के पास. तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मंडेला की लाइफ से खुद भी इंस्पायर्ड है कोटेशन, और आप ये यूज़ कर सकते हैं. दोस्तों यहाँ बताऊँगा कि लॉ में बहुत सारी कोटेशंस हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस मुझे अपने हिसाब से लगी. आप ऑफकोर्स इस लिस्ट में आप अपनी कोटेशंस ऐड कर सकते हैं, अपनी खुद की एक रिपॉजिटरी बना सकते हैं, क्योंकि यही पर्पस है इस पूरी सीरीज़ का कि आप अखबार को उस नज़र से पढ़ें कि उसमें ऐसी जो चीज़ें हैं जिनको आप एग्जांपल्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या किसी एक अच्छी एक कोटेशन है, कुछ अच्छा फ्रेज़ आता है, उससे अगर आप आंसर अपना स्टार्ट कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं, तो आप अपने आंसर्स में वो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइस डाल के वो एक एज ले सकते हैं. क्योंकि अल्टीमेटली जो आईएएस बनेगा और जो नहीं बनेगा उसमें मैक्सिमम हो सकता है आधा या एक नंबर पर क्वेश्चन का फ़र्क हो. अगर आप आधा नंबर भी एक्स्ट्रा ले जाएँ हर क्वेश्चन पर, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है ओवरऑल पूरे एग्ज़ाम में. ठीक है, तो यही पर्पज़ है दोस्तों इस सीरीज़ का. कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में लिखें, और इस हफ्ते का जो सेट है वो यहीं एंड होता है. और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से, दोनों का ही नाम आईएएस प्रेप विद मोहित है. इसके अलावा मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, मेरा हैंडल है jindal@mohit. तो दोस्तों ये सीरीज़ कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलेंगे अगले सेट के साथ. थैंक यू.